एसिडिटी एक ऐसी भी कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादा तीखे तले पदार्थ खाने से और ज़्यादा मसालों का सेवन करने से, ज़्यादा मिर्च खाने से, कम पानी पीने से, बिना समय के भोजन करने से। महर्षि चरक कहते हैं काल भोजनम आरोग्य करणम, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए पहली शर्त है समय से भोजन करें, लेकिन समय से भोजन नहीं करते, ज़्यादा खाना खाते हैं। इन सब के कारण से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी के लिए एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, ज़िंदगी भर दवाई खाते रहे, थोड़ी देर आराम मिलेगा, फिर बाद में एसिडिटी आपको हो जाएगी। आहार के ऊपर नियंत्रण सबसे पहली शर्त। ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं, फिर शराब और मांसाहार, तमाम तरह के दूषित आहार से ये एसिडिटी पैदा होती है। तो मांसाहार से, शराब से, तम्बाकू से, इन सब से बचिए। कोकोकोला, पेप्सी जैसे तमाम वो चीज़ें जो जिनमें भयंकर एसिड होता है, ये आपके शरीर को बहुत जहरीला बना देती हैं और पूरा आपकी आंतों से लेकर के आमाशय से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तहस नहस कर देती हैं, इनसे बचिए। बिना मसाले का भोजन, और मसाले के तौर पर जीरा हल्दी पर्याप्त है, थोड़ा धनिया आदि, और जो है ऐसा सात्विक भोजन लें जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो। अंकुरित अन्न बहुत अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए। अंकुरित मूंग से लेकर के और अंकुरित गेहूं से लेकर के तमाम जो भी अंकुरित अन्न है, सलाद है, वो बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती है। खाना चबा चबा करके खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। ऋतभुक हितभुक मितभुक को, और रोगी कौन नहीं जो ऋतभुक है, ऋतु के अनुकूल खाता है, हितभुक अपनी प्रकृति को के अनुकूल खाता है, और मितभुक जो कम खाता है। एसिडिटी के लिए सबसे अच्छी औषधि होती है एलोवेरा। आप खाने से पहले ही 4 चम्मच एलोवेरा जूस पी लीजिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो खाने के आधे घंटे बाद में एलोवेरा जूस पी लीजिए। आप एलोवेरा का जूस पीने से एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। पाचन तंत्र की विकृति के कारण से अपचन होता है, उसी को हम अम्लपित्त कह देते हैं, एसिडिटी कह देते हैं, शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो जो भस्त्रिका कपाल भाति प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं उनको ये एसिडिटी की बीमारी नहीं होती है। बस एसिडिटी के रोगियों को बहुत तेज़ी से कपाल भाति नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और एसिडिटी लंबे समय तक रहती है तो उससे अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए बेल का निरंतर सेवन, फिर छाछ का प्रयोग, अनार का प्रयोग उपयुक्त होता है, और प्राणायाम धीरे धीरे करना होता है। तेजी से कपाल भाति प्राणायाम ना करें एसिडिटी और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले रोगी। और औषधि के तौर पर आप 100 ग्राम अविपत्ति कर चूर्ण और 10 ग्राम उसमें मुक्ता शक्ति भस्म मिला लें, और एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें, आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आप ऐसे ही सुबह उठ करके रोज जो है एलोवेरा का प्रयोग करते हैं तो एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है, उससे हड्डियों के रोग भी नहीं होते हैं, शुगर की बीमारी भी नहीं होती है, और जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए तो अद्भुत लाभप्रद है। डाइजेस्टिव बहुत अच्छा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एलोवेरा का जूस। तो एलोवेरा का जूस एसिडिटी के लिए रामबाण औषधि है, देश नहीं पूरी दुनिया के लोग एसिडिटी के लिए आज एलोवेरा जूस का ही सेवन कर रहे हैं।